आज औरंगाबाद की आज़ादी के बारे में अलम का जिक्र होगा। यकीनन पहली मुहर्रम के बाद का अलम बरामद होना शुरू हो जाते हैं और अठारह मुहर्रम तक जुलूस की चक्र में और तकरीबन 20-22 अलम औरंगाबाद में बरामद होते हैं, जिसमें 6 से 8 अलम बड़े होते हैं, बाकी 14 अलम छोटे अलम होते हैं। औरंगाबाद के अलम बहुत ही शानदार अलम है और तमाम जो हमारे मोमिन जो अलम उठाते हैं और बहुत ही अदब व एहतराम से इसको कालबंदार करते हैं कि अलम उठाना है। तो ये अलम जो हैं औरंगाबाद के, काफ़ी लोग जो जुलूस में आते हैं, काफ़ी लोग जो अशरे मुहर्रम में आते हैं, अलम की ज़ियारत करते हैं और यकीनन अलम के बिना जुलूस अधूरा है। तादिया हो तब भी अलम, मेहंदी हो तब भी अलम, तख्त हर कासिम उठे तब भी अलम, अलम के बिना अदादारी में बिल्कुल जैसे अधूरापन रहता है। और अंजुमन अब्बासी औरंगाबाद तमाम तारीखों में पढ़ चढ़ के नवाखानी सीना जनी रंजनी मातम करती रहती है और बाहर भी जाते हैं अंजुमन जब जहाँ जहाँ से लोग बुलाते हैं। ये था अंजुमन के अलम के बारे में। औरंगाबाद में जो अलम आप देख रहे हैं काफ़ी ऊँची ऊँची अलम हैं। इससे पहले भी कई अलम इमाम बड़े नवाब नादिम हुसैन साहब में थे, जिनने पूरा अरबी से लिखा हुआ था, बहुत तारीखी अलम थे वो, आपकी पोसीदा हो गए हैं। ये अलम का जुलूस साथी मेहंदी को भी उठता है अपने जुलूस के साथ में, और अशरे मुहर्रम में ये सब अलम वाले अपने अपने अलम करबला लेके जाते हैं, वहाँ पर रोज़ा इमाम हुसैन पे जाके कब्रा में इनको अलम को बढ़ाते हैं, मातम करते हैं, शोक मनाते हैं। आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी ऊँचे ऊँचे अलम है, काफ़ी तादाद में अलम है, आप देख रहे हैं।